गांव के सार्वजनिक तालाब और मुख्य सड़क से तालाब तक जाने वाली सड़क को अवैध कब्जे से मुक्त कराने की मांग को लेकर आज दुलमी प्रखंड के बोरवा टोला हरहत कंडेर के दर्जनों ग्रामीणों ने अंचलाधिकारी पंकज कुमार को एक आवेदन सौंपा। ग्रामीणों का कहना है कि तालाब और मुख्य सड़क से तालाब तक जाने वाले मार्ग को गांव के ही एक दबंग व्यक्ति द्वारा अपने खेत में मिला लिया गया है, जिससे ग्रामीणों को छठ पूजा जैसे अन्य सामूहिक कार्यक्रमों तथा तालाब तक आने जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि तालाब का इस्तेमाल कुछ लोग निजी संपत्ति के रूप में कर रहे हैं। इस मामले को लेकर कांग्रेसी नेता सुधीर कुमार मंगलेश सहित आधा दर्जन ग्रामीण अंचल अधिकारी से मिलने उनके कार्यालय पहुंचे। ग्रामीणों ने जल्द से जल्द इस समस्या के समाधान की मांग की। आज दुलमी प्रखंड के हरहत कंडेर के बरोटोला के ग्रामीणों ने आज दुलमी अंचल सीओ से मिलकर जो तालाब हरहत कंडेर का जो तालाब है जिसको ग्रामीणों का कहना है कि सार्वजनिक है और जो आम रास्ता था उसको भी खेत मिला दिया गया, जिसको लेकर आज सीओ साहब से मिलकर ग्रामीणों का हस्ताक्षर ज्ञापन सौंपे हैं और सीओ साहब ने कहा है दो दिन में इसका जांच करेंगे क्या सही है क्या गलत है, उसके बाद ही आगे का कार्रवाई किया जाएगा। अगला पार्टी से भी सीओ साहब ने कहा कि उसका पेपर का हम मांग किए हैं, उसके बाद जांच किया जाएगा क्या सही है क्या गलत है। न्यूज़ अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।